गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमारा जो चैप्टर रनिंग है, दैट चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स। तो जो हमारा चैप्टर रनिंग है थर्मोडायनेमिक्स, उसकी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा था अबाउट द बॉम कैलोरीमीटर। तो हमारी हमने अपनी पिछली क्लास में बॉम कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ा। और जो जो कैलोरीमीटर होते हैं, ये काफी टाइप के होते हैं, सिंपल कैलोरीमीटर, बॉम कैलोरीमीटर। सिंपल कैलोरीमीटर के बाद बना बॉम कैलोरीमीटर, ये एडवांस कैलोरीमीटर है। और इस कैलोरीमीटर की हेल्प से हम लोगों ने कल क्या सीखा था, डेल्टा यू कैलकुलेट करना, मीन्स इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करना। सो मेजरमेंट of delta U and delta H takes place with the help of calorimeters. So बच्चों, delta U के बाद हमने discussion किया था about the topic, that is delta H, and delta H represent the change in enthalpy. You know that, as you know that H is called enthalpy. आपको पता है enthalpy क्या है? H है। और delta H क्या है? Change in enthalpy of the system. ठीक है, तो हम बार बार वही बात करते हैं, enthalpy क्या होती है, enthalpy किसके equal होती है। Basically जो enthalpy होती है, this is called sum of internal energy and the condition is that the product of pressure and volume. ठीक है, this is the sum of internal energy and product of pressure and volume is called enthalpy. ठीक है, and change in enthalpy also. So आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने पढ़ा हमारे जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डेल्टा एच पे डिपेंड करते हैं, द सम फैक्टर विच डिपेंड अपॉन द डेल्टा एच। डेल्टा एच कब पॉजिटिव होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होती है तो डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यू की वैल्यू, क्यू आपको पता है जो डेल्टा एच होता है वो बेसिकली क्यूपी के इक्वल होता है, क्यूपी। तो आपको याद रखना है, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, और डेल्टा एच क्यूपी के इक्वल होता है तो एट द कांस्टेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर, सो इट मींस द हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम इज ऑल्सो, या हीट इन द सिस्टम इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड द टाइप ऑफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंड वेन द रिएक्शन का जो टाइप है वो एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, तो ये जो सामने इसकी वैल्यू जो होगी, इसके इक्वल की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। अगर ये नेगेटिव है तो बोथ आर नेगेटिव, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो बोथ आर पॉजिटिव। और ये कंडीशन थी हमारी एंडोथर्मिक, और ये कंडीशन थी बच्चों हमारी एक्सोथर्मिक। सो स्टूडेंट्स, इतना पढ़ने के बाद आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक में सिर्फ बार बार जो बात होने वाली है वो सिर्फ एंथैल्पी की होने वाली है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशंस की। तो पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए, थर्मोडायनेमिक चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत से पैरामीटर्स हैं इस चैप्टर को रीड आउट करने के लिए, जैसे डेल्टा यू, डेल्टा एच, प्रेशर का कंसेप्ट, वॉल्यूम का कंसेप्ट। ठीक है, अभी अभी आने वाले चैप्टर में हमने बहुत से और से कंसेप्ट पढ़ने हैं रिलेटेड टू सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर काफी टाइप की एनर्जी होती है। तो बेसिकली जो सिस्टम की एनर्जी है, एनर्जी इक्वल टू क्यू होता है, मतलब हीट होता है। स्मॉल क्यू इस चैप्टर के अंदर हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो आपको इतना पता हो। तो जो एंथैल्पी ही पढ़नी है अब आगे हमने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली टॉपिक, तो बच्चों आज आपको एंथैल्पी के बारे में जरूर मालूम हो। तो अब आइए, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? तो व्हाट आर द थर्मोकेमिकल इक्वेशन? दीज आर द बैलेंस इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि बैलेंस होती हैं, विच गिव द हीट चेंज, जो हमें बताती हैं कि रिएक्शन में कुछ ना कुछ हीट चेंज होता है। तो आपको पता होना चाहिए, व्हेन ए रिएक्शन विल टेक प्लेस, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो या तो हीट रिलीज होती है या हीट अब्सॉर्ब होती है। सो व्हाट आर द थर्मोकेमिकल, आपसे पूछा जाए डिफाइन थर्मो, थर्मो रिप्रेजेंट द हीट। सो मतलब ऐसी रिएक्शन या तो जिसमें हीट अब्सॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी, दैट टाइप ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। बैलेंस वर्ड आपने टेंथ में पढ़ लिया है। तो डिफाइन थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ए केमिकल इक्वेशन दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच गिव्स द हीट चेंज, जो हमें क्या बताता है? हीट चेंज के बारे में बताता है। हीट चेंज का मतलब होता है रिएक्शन के अंदर या मे बी द आइदर द हीट लॉस और गेन। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, व्हेन द हीट गेन एंड लॉस इन द रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। तो आपको पता चला थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है? दोज रिएक्शन which are completely balanced and in which heat loss and gain will takes place, means change in heat will takes place. Heat is equal to, you know that, delta H, so change in enthalpy will takes place. So suppose अगर मैंने example लिया C plus O2 give rise to CO2, तो बच्चों इसके अंदर जो delta H है वो release होती है। ठीक है, जब CO2 के साथ ये चीजें combustion reaction, और combustion reaction में हमेशा energy release होती है, in which जो energy release हो रही है वो है minus 393.5 kilojoule। ठीक है,
ठीक है, पर मोल के हिसाब से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है. सो इट इज ए टाइप ऑफ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए बैलेंस इक्वेशन. सो वट आर द थर्मोकेमिकल इक्वेशन? दोज इक्वेशन विच आर केमिकली बैलेंस इक्वेशन एंड इन विच हीट इज रिलीज और हीट इज अब्सॉर्ब, मीन्स हीट चेंज विल टेक्स प्लेस. एंड यू नो दैट हीट इज इक्वल टू एंथैल्पी at the constant condition of pressure. So delta H may be negative in some reaction and delta H may be positive in some reaction. इतना आप लोगों को पता होना चाहिए about the thermochemical reactions के बारे में. So बच्चे जो enthalpy change होती है, किसी भी reaction में enthalpy change होती है, वो किसी भी chemical reaction के दौरान होती है. जब कोई chemical reaction run हो रही है उस समय enthalpy में change आ सकता है. Enthalpy का change, heat का change negative भी हो सकता है, heat का change positive भी हो सकता है. तो अब इस चीज को हम different different way में express करेंगे. So हमारी जो पहली enthalpy होगी वो होगी enthalpy of formation. आज ने जो हमने पढ़नी है अबाउट द डेल्टा एच, तो आज हमने डेल्टा एच का कंसेप्ट है हमारा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो मींस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बच्चों नाम से क्लियर है, कुछ ना कुछ फॉर्म हो रहा है. तो डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, द एंथैल्पी चेंज मीन्स एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट. जब एलिमेंट से एक मोल सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है इन देयर मोस्ट. तो व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन? यू नो दैट द एंथैल्पी चेंज व्हेन द वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म, जब एक मोल सब्सटेंस फॉर्म होता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट, उसी के एलिमेंट से एक मोल सब्सटेंस बनता है, तो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी का चेंज होना, व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस विल फॉर्म, the formation of the product will takes place by the reactant elements in the stable form. This is called enthalpy of formation. So formation मतलब कुछ नया बनेगा with their reactant, ठीक है, and enthalpy will change. This is called enthalpy of formation. Fine. इतना जानने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए standard enthalpy of formation. अब बच्चों ये standard enthalpy of formation क्या होता है, इसको बताने के लिए मैं आपको एक standard word already बता चुकी हूँ. The condition when the temperature is fixed and the pressure is 1 bar, you know that, ठीक है, आपको पता होना चाहिए. the condition according to thermo conventions के according, thermochemical conventions के according, that the condition is that when the pressure is constant related to 1 bar and the temperature is also constant at that condition, enthalpy is called standard enthalpy. और representation of standard enthalpy of formation, this is the representation of enthalpy of formation, this is the representation of enthalpy of reaction, ठीक है, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड के लिए आप या तो इस नोट यूज करेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था, या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, इस तरीके से भी स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि क्या हो रहा है, द कंडीशन इज प्रेशर इज कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. इतना आप लोगों को पता चला. अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, बात हमारी चल ही रही है कि किस तरीके से लेते हैं. तो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है? उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है समेशन सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, एंड माइनस सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, ऑफ द रिएक्टेंट. तो जब किसी रिएक्शन के अंदर, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर नया कुछ फॉर्म होता है और एंथैल्पी चेंज आती है, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी का सम माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी का सम, दिस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ठीक है, इतना आप लोगों को पता. तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर लिया, आपको पता हो फॉर्मूला, प्रोडक्ट की एंथैल्पी रखिए, रिएक्टेंट की एंथैल्पी रखिए, दोनों को प्रोडक्ट की एंथैल्पी का सम करिए, रिएक्टेंट की एंथैल्पी का सम करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा. इसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊं, सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है इस बात को समझाने के लिए. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर ओनली फॉर वन मोल की बात करते हैं. वन मोल सब्सटेंस विल फॉर्म बाय देयर एलिमेंट. सो वन मोल की बात हो रही है. तो सपोज आपके पास एक रिएक्शन है N2+3/2H2 इन द गैसियस स्टेट इज इक्वल टू 2NH3, और उस समय एंथैल्पी जो है
एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो है आपके पास वो है -461.1 kJ, इतनी एनर्जी है। सो बच्चों आपको पता होना चाहिए द इक्वेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन शुड ऑलवेज ओनली फॉर द वन मोल। सो आप क्या चाहते हैं कि सारा वन मोल हो जाए, आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। सपोज मैंने कहा मुझे ना एक मोल एलिमेंट्स हैं उससे एंथैल्पी फॉर्म करके बताओ, एक मोल एलिमेंट्स एंथैल्पी फॉर्म करके आपने मुझे बतानी है, ठीक है। तो एक मोल एलिमेंट्स होने चाहिए जो रिएक्टेंट है वो वन मोल के अकॉर्डिंग होने चाहिए मेरे पास, तो मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करूंगी। तो आपको पता होना चाहिए द इक्वेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन शुड ऑलवेज बी रिटन फॉर वन मोल, ठीक है, शुड ऑलवेज बी रिटन फॉर वन मोल ऑफ सब्सटेंस, बट इफ द बैलेंस रिक्वायर्ड, बट अगर रिएक्शन को बैलेंसिंग की रिक्वायर्ड है तो आप बैलेंसिंग, सपोज यहाँ पे आएगा टू, अगर रिएक्शन को बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप बैलेंसिंग भी करेंगे। नॉर्मली इक्वेशन वन मोल के लिए लिखी जाती है, बट अगर आपको रिएक्शन की बैलेंस की जरूरत पड़ती है तो रिएक्शन को बैलेंस भी करते हैं, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो भी कोफिशियंट मल्टीप्लाई करते हैं उसको आपने एंथैल्पी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है न्यूमेरिकल में, इतना याद रखना है। सपोज मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है पूरी तरह, तो मैं पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, और आपको पता होना चाहिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था -46.1 kJ, ये भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आपकी निकलेगी वो निकलेगी -92.2 kJ। तो कई बार एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाता है आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन, आप देखो टू से टू कैंसिल हो रहा है तो मेरे पास N2 बच गया, ये भी टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास 3H2 बच जाएगा, और यहाँ पर यहाँ टू नहीं था पहले, अब यहाँ टू आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 2NH2, नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। तो आपको याद रखना है अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है और उसकी एंथैल्पी गिवन है और आपको कहा जाता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ बैलेंस इक्वेशन के लिए होता है, अगर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं थी तो आप इसको बैलेंस कर रहे थे, बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे जो भी एनर्जी आपको दे रखी होगी या तो रिलीज्ड या गेन एंथैल्पी चेंज जो भी आपको दे रखा होगा उसके साथ भी आपने उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्म, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस रिएक्शन इज दिस -92.2 kJ, फाइन। सो Now we will discuss about the enthalpy of combustion. तो enthalpy of combustion क्या होता है बच्चे, the enthalpy change. जब द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, जब एक मोल सब्सटेंस बर्न हो जाए होता है तो उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कम्बशन, एंड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, द डेल्टा एच वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। तो कम्बशन मीन्स में हमेशा एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है, तो दिस टाइप ऑफ एंथैल्पी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ कम्बशन किससे, ऑफ कम्बशन के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है C6H12O6, means the glucose, when the glucose we will take in the presence of oxygen, the it will be converted into CO2 plus H2O, and after balancing this the large amount of energy and large amount of heat will released, you know that. जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन, ग्लूकोज हम लेते हैं मतलब फूड लेते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको पता है बॉडी में CO2 बनती है, वाटर रिलीज होता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी लगभग कितनी होती है 2800 के नियर अबाउट किलोजूल एनर्जी क्या है रिलीज होती है। दिस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन दैट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो फूड का कम्बशन होता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, तो अवर बॉडी ऑल्सो जनरेट सम एनर्जी, हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी जनरेट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फूड, तो हमारी बॉडी के अंदर फूड का कम्बशन होता है और एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है बच्चों, ये बात याद रखनी है आपको, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन इज ऑलवेज नेगेटिव एंड हाईली नेगेटिव, फाइन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस टॉपिक अबाउट द कैलोरीफिक वैल्यू, आज हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करेंगे और फूड और फ्यूल, या तो फूड की और फ्यूल की। तो बच्चे कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है इन कैलोरीज या फिर इन जूल, इन किलो जूल, कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है व्हेन वन ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न, एक मोल सब्सटेंस, एक ग्राम सब्सटेंस जब पूरी तरीके से बर्न होता है तो जितनी कैलोरी रिलीज होती है, जितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट रिप्रेजेंट अ कैलोरीफिक वैल्यू। कंप्लीट सब्सटेंस वन ग्राम सब्सटेंस बर्न होना चाहिए, तो व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू इज दैट टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज ए टाइप ऑफ ए हीट। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन द इन कैलोरीज इन जूल व्हेन वन ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न, तो दिस इज कॉल्ड
कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस। सपोज इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। फूड की कैलोरीफिक वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ किलो जूल में, ठीक है, हमें हाईली नेगेटिव होती है जब ग्लूकोज का कम्बशन होता है। अब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की, तो कैलोरीफिक वैल्यू की मिथेन की बात हो रही है। जब मिथेन का कम्बशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो रिलीज होता है CO2+H2O, ठीक है, और उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है वो लगभग एनर्जी है बच्चों कितनी, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन जो रिलीज हो रहा है वो लगभग कितना है, -890.3 किलो जूल, ठीक है, ओके। तो अब हमने अगर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी भी एंथैल्पीज ने रिलीज करी है ड्यूरिंग द कम्बशन डिवाइड बाय मिथेन का मोलर मास। कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 × 4 कितना है 4, तो 16 ग्राम मिथेन की कम्बशन हुई है ना, मिथेन की कम्बशन हुई है तो मास भी किसका लेंगे डिवाइड में, मिथेन का। तो कितनी कैलोरीफिक वैल्यू निकली जब मिथेन की कम्बशन हुई, 55.6 किलो जूल के नियर अबाउट क्या हुई कम्बशन निकली, हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू निकली मिथेन की। तो व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, द व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी, एंड हाउ वी कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड द एंथैल्पी रिलीज ड्यूरिंग द कम्बशन ऑफ फ्यूल और फूड डिवाइड बाय द 1 ग्राम सब्सटेंस, द मास ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, देन वी इजिली कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। इस तरीके से हम कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बच्चों जैसे हमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन, ऐसे ही काफी एंथैल्पी हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और बहुत सी एंथैल्पी हैं फेज ट्रांसफर करते समय जब एक कंपाउंड वन फेज से दूसरे फेज में जाता है। जैसे आप सुन सकते हैं एंथैल्पी ऑफ हमारी हो सकती है एटोमाइजेशन की बात करें, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात करें, तो एंथैल्पी काफी टाइप की होती है। और स्टैंडर्ड स्टेट में जब भी एनर्जी रिलीज होती है एट द कंडीशन ऑफ ए 1 bar प्रेशर एंड द पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पीज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एंथैल्पीज क्या होती है और स्टैंडर्ड एंथैल्पीज क्या होती है। तो आज आपने पढ़ा अबाउट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन इन दिस चैप्टर, ठीक है। आज का जो लेक्चर था वो था रिलेटेड टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड द किस तरीके से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं ये जरूर याद रखिएगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इन दिस वे वी कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और हाउ वी कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, द एनर्जी रिलीज डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, इन दिस वे वी कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द गिवन सब्सटेंस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड दिस। सो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक था रिलेटेड टू द एंथैल्पीज, कल का परसों का रिलेटेड हमारा यही टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू एंथैल्पीज। तो एंथैल्पीज डिफरेंट टाइप की होती हैं, तो आप पीछे से रिलेट करिए एंथैल्पी होती क्या है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।